नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अरुणाचल प्रदेश की शान। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन फोर चला हुआ है और लगातार जो है कोरोना के जिस तरह से देश में आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहीं हमारे कोरोना योद्धा लगातार जो है अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ में विनोद कुमार है, ऐसा ही उनसे बात करेंगे। जब से लॉकडाउन लगाया यहाँ पर रेलवे रोड पर जो नाका लगी हुई है, इस पर वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और देश की सुरक्षा में जो अपना अहम योगदान दे रहे हैं। कोरोना योद्धा के रूप में हम उन्हें कहेंगे, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है, इस तरह की महामारी चली हुई है, उसमें अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो हमारे लिए सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं विनोद कुमार जी से। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका नमस्कार है। और लगातार जब से लॉकडाउन लगा है, आपकी नाका यहाँ पर लगी हुई है, तो आपने क्या बदलता देखा और क्या लोगों से जागरूक अपील करना चाहेंगे? प्रशासन द्वारा समय समय पर लोगों को इस बारे में जागरूक किया गया और उस जागरूकता का ही ये है, जज्जर की जो स्थिति है, बादल की स्थिति है, अब कुछ कंट्रोल में है। लोग अपने आप को इस बीमारी के बारे में समझने लगे, अपने दिए हुए समय पर ही आपके सामने है, दुकानें बंद करने लगे, दुकानें खोल रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का भी पालन, जागरूक हैं, लोगों को पता चल गया भाई इस बीमारी में हम एक दूसरे से अगर फासला बना के रखेंगे तभी सुरक्षित हैं। जो हाथ धोना है और प्रशासन ने जो दिशा निर्देश दे रखे हैं उनकी पालना करते रहेंगे, लोग इस बीमारी से बच जाएंगे। और हम भी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, प्रशासन भी पूरा तत्पर सहयोग कर रहे हैं लोगों का। विनोद कुमार की गर्मी बहुत ज्यादा है इस समय, 44 से 45 डिग्री तापमान, उसमें इसके बावजूद भी जो है गर्मी के दिनों में आप दिन भर जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा कर्तव्य है जी, हमने आगे बढ़कर सहयोग करना पड़ेगा। हमने शपथ ले रखी है, दो बरसात गर्मी सर्दी कुछ भी हो, हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, पीछे नहीं हटाएंगे, देश के लिए मरना जीना है। तमाम आपने ड्यूटी करी है, चाहे किसी आपने आप आंदोलन हो या कोई इस तरह, लेकिन आपने इस तरह का कोई देखा था क्या माहौल देश में इस तरह का माहौल बनेगा और एकाएक जो मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा और देश को लॉकडाउन करना पड़ेगा? ये एक बीमारी का हिस्सा है जी, कहीं भी कुछ भी हो सके, लेकिन हमने हर हालत में अलर्ट रहना पड़ेगा, अपने आप को जागरूक करना, लोगों को जागरूक कराना, ये हमारा काम है। हम तो यही कह रहे, पर जनता से अपील है जो प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए हैं उनकी पालना करो, बीमारी से बचे रहोगे, बगैर जरूरी करिए कि लोगों से अपील है घर से ना निकले। तो जैसे कि आपने देखा, विनोद कुमार जी ने कहा कि लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, फिजिकल डिस्टेंस जो अपनाना पड़ेगा, लॉकडाउन फोर में अगर इस तरह की सावधानियां बरतेंगे तो हम कोरोना महामारी से जो है बच सकेंगे। वहीं मैं आप दूसरी तरफ से आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ, 7 बजे का समय हो गया है और लॉकडाउन का जो है पालन नहीं कर रहे लोग, कोरोना को देश में आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं। मैं दूसरी तरफ तस्वीर दिखाना चाहूँगा, मैं विश्वकर्मा चौक की है, जहाँ पर जो है लोग अपने जो है कोरोना को बढ़ावा देने के लिए, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, चैनल भी आपसे अपील करना चाहेगा कि लॉकडाउन का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंस रखें और कोरोना को मात देनी है तो हमें नियमों का पालन करना होगा और पुलिस प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा जो भी नियम निर्धारित किए गए हैं उनका पालन करना आवश्यक है, तभी हम कोरोना को मात दे सकते हैं। खबर हरियाणा प्रदेश की शान में, मैं प्रवीण चोपड़ा।